ये जो सारी स्नो है ना, ये बिल्कुल फ्रेश है, कल रात को ही पड़ी है। हम ऊपर नहीं गए, रिस्की था। हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज है पत्नीटॉप का डे टू और आज की वापसी करेंगे। अभी मैं जस्ट उठा था, 7 बज रहे थे। एक्चुअली व्लॉग अपलोड करने में ना कल बहुत ज़्यादा दिक्कत आई, यहाँ पे नेट इतना स्लो था ना, मतलब शायद मेरा व्लॉग सुबह 7 बजे अपलोड हुआ है। मैंने सुबह 7 बजे उठ के उसको शेड्यूल किया, मैं पूरी रात बार बार उठ के उसको चेक कर रहा था कि पूरा हो गया नहीं हुआ। वो अपलोड ही बहुत स्लो हो रहा था, मतलब पता नहीं कितना, 6-7 घंटे का वो अपलोड टाइम दिखा रहा था, तो उसमें बहुत टाइम लग गया। अभी मैं सुबह उठा हूँ और सामने खिड़की से इतना सही व्यू है ना, मैं अभी दिखाता हूँ। मैं नहीं मानता। क्या मस्त व्यू है सारा, सामने के पहाड़ों पे पूरी बर्फ पड़ी हुई है, टॉप पे पूरी नहीं, टॉप पे बर्फ पड़ी हुई है। अब इस रूम को बाय बाय करते हैं और ये जो पीछे व्यू है इसको ही बाय बाय करते हैं, चेकआउट करते हैं और चलते हैं। सामान वगैरह वो पहले भिजवा दिया हुआ है गाड़ी में, अभी ये रह गया था, तो ये डब्बा रह गया था वो मैं लेने आया था, सही टाइम पे याद आ गया, वरना ही इधर ही रह जाता। अब चलते हैं। ऑल द टाइम चेकआउट का 12 बजे था, पर हम अर्ली करके निकल रहे हैं, कौन जाएगा फिर वापस आएगा, बहुत हेक्टिक हो जाएगा। अभी निकलते हैं, बाहर मस्त ठंड हो रही है, ये जैकेट भी इसलिए दूसरी वाली डाली हुई है, चलते हैं। इतना सही मौसम है ना, ठंड तो चाहिए है, हाथ अभी भी सुन हो गए हैं, पर फिर भी जो मजा आ रहा ना अल्टीमेट है। ये जो सारी स्नो है ना, ये बिल्कुल फ्रेश है, कल रात को ही पड़ी है। अभी मैं वीडियो बनाने लगा तो मैं रुक गया, पैर स्लिप हो रहा है हल्का हल्का, चांस नहीं लेना, अगर गिर गए ना भाई कपड़े पूरे गीले हो जाएंगे। और पूरा स्नो से ढका हुआ है नाथा टॉप, हम ऊपर नहीं गए, रिस्की था, बर्फ़ भी थी ऊपर, ज़्यादा थी थोड़ी, इसलिए ऊपर जाना अवॉइड किया। पीछे पूरी आस पास उधर भी बर्फ, जहाँ पे लोगों के घर है वहाँ पे पूरी बर्फ है, बर्फ ही बर्फ। इतना मस्त है ना यहाँ पे, इस टाइम पूरी बर्फ है, उधर नथा टॉप पे बर्फ, यहाँ पे भी पूरी और पूरी फ्रेश स्नो है। वापस निकलते हैं, अब हल्का हल्का बादल हो रहा है, इससे पहले बारिश हो या स्नोफॉल हो यहाँ से निकल जाते, नहीं तो रोड में बहुत स्लिपरी हो जाएगी। हम तो उड़ गए उड़ गए। अभी वापसी पे एक छोटी सी स्टॉपेज मारी है झज्जर कोटली, बहुत टाइम के बाद, शायद 3 या 4 साल के बाद मैं झज्जर कोटली आ रहूँगा। पर मतलब लोग चाहे यहाँ पे अभी नहीं है, पर फिर भी ना ये पार्क वगैरह काफ़ी वेल मेंटेन्ड है। पीछे एक रेस्टोरेंट है ना, जो ये वाला रेस्टोरेंट, ये तो बंद हो गया है, बंद क्या मतलब कोई आता ही नहीं, तो बंद ही ऑब्वियसली, पर ना ये पार्क काफ़ी अच्छे से मेंटेन्ड है, जैसे यहाँ पे भी ये फ्लावर्स वगैरह गार्डन वगैरह सही मेंटेन किया हुआ है। अभी नीचे जाके देखते हैं, पैर वगैरह अगर पानी में डालने हैं तो देखते हैं। अभी ना मैं बहुत लेट फोन उठा रहा हूँ, एक्चुअली वापस आके काम वगैरह पड़ गए थे, तो काम वगैरह कर रहे थे, तो बस अभी फोन उठाया है, 12-12:30 बज रहे होंगे। अभी व्लॉग भी एडिट करना है बैठ के, और बाहर इतना मस्त मौसम हुआ हुआ है ना, मतलब आंधी चल रही है, बारिश भी आ रही है, और पत्नीटॉप में शायद आज भी स्नोफॉल हो रही होगी मोस्ट प्रॉबली, जैसा भी है हम तो आगे वापस मस्त एंजॉय करके। तो इस व्लॉग को भी एंड करता हूँ और लंबा नहीं करता, मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।